हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका जी के टूडे के प्लेटफॉर्म पे अ वेरी गुड मॉर्निंग दिस इज आरसू कक्कर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल दोज आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो दे कैन गेट इट ऑन जी के टुडेज न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज जी के टूडे टू पॉइंट ओ द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हैं ये पार्ट हैं डेली ट्वेंटी एन सीरीज में जो कि आपको मिल जाएगी जी के टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर वहाँ पर एवरी uh, मंथ आपको 500 से भी ज़्यादा 500 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं तो आप रेफ़र कर सकते हो जी के टुडे एंड्रॉयड ऐप को अब चलते हैं हमारे आज के सवाल पे जो कि एक रिपोर्ट से रिलेटेड है और मैं उम्मीद कर रही हूँ काफ़ियों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा काफियों के माइंड में आंसर भी आ गया होगा और जिन्हें जिनका आंसर आ गया है वेल एंड गुड अभी देखते हैं कि क्या इसका आंसर है और जिन्हें नहीं पता है बहुत अच्छा क्योंकि ये सेशन इसीलिए है ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज़ किया है एडॉप्टशन गैप रिपोर्ट 2022 तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो इंस्टीट्यूशन का नाम जिसने अडोप्टेसन गैप रिपोर्ट 2022 रिलीज करा वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ठीक है तो अगर आपको याद हो मैं इन सब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ हमने एमिशन गैप रिपोर्ट पढ़ी थी न, पढ़ा, पढ़ी है जिन्हें नहीं याद है इसका मतलब आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो पहली बार तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो है ना उसी का ही अगर आप बोलो तो ये रिपोर्ट उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कौन सी रिपोर्ट एडोप्टेसन गैप रिपोर्ट दूसरी बात ये रिपोर्ट क्या कहती है बहुत सिंपल सी बात है सब आपने कवर किया है कितनी बार हम क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं जहां पर मैंने आपको करंट ट्रेंड भी समझाया है ठीक है याद है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि गोल क्या है गोल ये है कि अपने को जो ग्लोबल वार्मिंग लिमिट है उसको दो डिग्री सेल्सियस से बिलो रखना है या फिर आप बोलो तो वन डिग्री सेल्सियस इज अ प्रेफरेबल लिमिट एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स याद है लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है जिस पेज से हम चल रहे हैं वो ये तो नंबर से तो हम आगे ही बढ़ जाएंगे यही बात ये रिपोर्ट कह रही है कि आपको ये रिपोर्ट कहती है कि इस टाइम पे वर्ल्ड को अर्जेंटली अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट को कम कर सकें और अडोप्ट कर सकें कुछ चीज़ों को जिसके अंदर ये रिपोर्ट कहती है कि अब आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी आपके प्लानिंग पे आपकी फाइनेंसिंग पे आपके अडोप्टशन एक्शंस को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो उस पे अब साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके साथ जुड़ जाती है वो ये है कि इस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की उसका नाम है अडोप्टेसन गैप रिपोर्ट ट्वेंटी टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडोप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ड एट रिस्क तो ये है इस पूरी क्वेश्चन की कहानी ठीक है चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने जो बात कर रहा है पहले तो ना ये टर्म टर्मिनोलॉजी जो है इसको पूरा पढ़ो स्वच्छ सुरवेक्षण ग्रामीण ये टर्म इंपॉर्टेंट है ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 ट्वेंटी टूल किट है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है सो so, वो मिनिस्ट्री है जल शक्ति ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 ट्वेंटी थ्री टूल किट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया तो बेसिकली बात क्या है ना एक सेशन हुआ सेशन हुआ तो आ, वहाँ वहां पर उस सेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हेल्ड दैट टेक्निकल सेशन किस पे था रूरल वॉश पार्टनरशिप वे फॉरवर्ड ठीक है तो उस पे ये सेशन था जो कि हुआ था दूसरे दिन ऑफ सेवंथ इंडिया वाटर वीक यहाँ पर बहुत सी चीजें ये दिख दो पॉइंट्स रहे हैं लेकिन समझने को बहुत कुछ है यहाँ एक रिवीजन हो जाएगी पहले तो ये नाम आ गया इंडिया वाटर वीक सेवेंथ इंडिया वाटर वीक याद आ रहा है अभी हमने करंट अफेयर्स में इसको कवर किया है अगर आपको जल्दी से रिवाइज करवाऊ तो इंडिया वाटर वीक क्या है एक फॉरम है जिसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री ही क्या डेट्स थी फर्स्ट नवंबर से हाँ जी फिफ्थ ऑफ नवंबर बिल्कुल सही हमने ये क्या बात करता है जो पानी अवेलेबल है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उसकी इम्पोर्टेंस पे ये बात होती है ठीक है साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी थीम किसकी थीम इंडिया वाटर वीक की अभी बात कर रही हूं जो हमने ऑलरेडी कवर किया है उसकी थीम क्या थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी तो ये हो गई सेवेंथ इंडिया वाटर वीक की कहानी ठीक है तो यहां पर यह समझ आ गया अब उसके बाद चलते हैं ये जो मैं बात कर रही हूं रूरल वॉश पार्टनरशिप की वॉश मतलब W stands for, it stands for basically water sanitation and hygiene. इन से परे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में जानते हैं ये एट्थ एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और ये लॉन्च हुआ किसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर जिसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री थी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री स्वच्छ आ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्या अलग होगा इसके अंदर वो बताऊंगी लेकिन पहले स्वच्छ पहले दो हजार तेईस इसकी थीम जान लो थीम क्या है थीम है वेस्ट टू वेल्थ ठीक है वेस्ट टू वेल्थ किसके लिए फॉर गार्बेज फ्री सिटीज ये है इसकी थीम स्वच्छ भारत मिशन का पर्पस क्या है पर्पस यही तो है उसका विजन क्या है गार्बेज फ्री सिटी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट कब लॉन्च हुआ था डेट क्या है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्या हाईलाइट है इसका किसका स्वच्छ सर्वेक्षण दो का बात अब आ गई प्रायोरिटी पे प्रायरिटी बदल जाती है जिंदगी में प्रायरिटी कुछ और हो जाती है ना तो यहां पर अब प्रायोरिटी अब आपकी प्रायरिटी क्या है प्रायरिटी है कि रोज सुबह सात बजे सेशन लेना ही लेना है तो यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की प्रायरिटी है आर 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 दैट मीन्स रीसाइकिल रिड्यूज एंड रियूज तो ये है थ्री आरस के प्रिंसिपल पे पहले क्या होता था तीन फेज के अंदर आ, इवेल्युएशन uh, कंडक्ट होता था लेकिन अभी इसमें चार फेज के अंदर इवेल्युएशन कंडक्ट होगा जो सिटीज के अंदर वार्ड है जो सिटीज में वार्ड्स हैं उनकी भी रैंकिंग होगी ठीक है साथ ही साथ जो सोर्स सेग्रीगेशन हम करते हैं ना वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडिशनल वेटेज जो है टू सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट वो इंश्योर किया जाएगा ये सब कुछ है हाईलाइट किसका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो कि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे ठीक है जहां पर एक हेल्दी कंपटीशन होने की बात होती है बताया ना वार्ड्स को रैंकिंग भी दी जाएगी तो एक हेल्दी कंपटीशन इंश्योर करता है ताकि सैनिटेशन पैरामीटर्स के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके तो ये मैं इंश्योर करती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस जो है एग्जाम्स की वो भी अच्छी होगी अब यहाँ पर आपने हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लिया और चीज़ें जान भी लिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये सारी इंपॉर्टेंट थी अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन कहता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपको नाम दिख रहा है सामने इस बैंक ने क्या किया है हाल फिलहाल साढ़े तीन सौ मतलब थ्री फिफ्टी मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन दिया है ये लोन किस लिए है ये लोन है रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेट की रोड की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है वो आपको बताना है मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ सारा सवाल एक बार एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड थ्री फिफ्टी मिलियन यूएस डॉलर लोन टू इंप्रूव द रोड कनेक्टिविटी इन विच स्टेट स्टेट का नाम चार ऑप्शंस है अभी तक तो सोच भी लिया होगा महाराष्ट्र ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो यहाँ पर ये जो लोन है जिसको आप बोल सकते हो ट्वेंटी नाइन हंड्रेड करोड़ के अबाउट ये लोन है ये दिया जा रहा है ताकि आप महाराष्ट्र की रोड कनेक्टिविटी को सुधारो उसको इम्प्रूव करो प्रोजेक्ट का नाम है कनेक्टिंग इकोनॉमिक क्लस्टर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन महाराष्ट्र ठीक है तो जो कोर रोड नेटवर्क है उसको डेवलप किया जाएगा इसमें हेल्प मिलेगी किसको वो रूरल कम्युनिटीज जो कि अंडर डेवलप्ड है वहां पर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी हेल्थ सर्विसेज सोशल सर्विसेज एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इन सबको इम्प्रूव किया जाएगा ठीक है जी तो चलिए फिर चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है डेट पूछी है आपसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम इंडिया के अंदर कब ऑब्जर्व करते हैं मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है इस टाइम पे तो कि आप कहोगे कि मैडम इतना आसान क्वेश्चन क्योंकि नवंबर का मंच चल रहा है और हम नवंबर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेवेंथ ऑफ नवंबर इसका आंसर होगा लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं हो सकता अब एग्जाम में कैसे पता है नवंबर का करंट अफेयर है या अक्टूबर का है तो इसीलिए डेट्स इंपॉर्टेंट है वैसे याद में रख लो सेवेंथ ऑफ नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी भी होती है ऑफ द नोबल दोबेल मैरी क्यूरी जिनका कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट रहा है ठीक है तो वर्ल्ड कैंसर डे अनाउंस हुआ था सितंबर 2014 में जहां पर जो रिस्क ऑफ कैंसर है उसको हाईलाइट किया जाता है और अवेयरनेस रेस करी जाती है ठीक है एक चीज और थी मैं आपको थोड़ा बताना गई जो कि इम्पोर्टेंट भी है ये ध्यान में रख लो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब यहां पर बात करी ना हमने तो एडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में आगे बढ़ने से पहले पीछे वाली जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं चाहे टाइम एक मिनट का एक्स्ट्रा लगे लेकिन उसको याद जरूर कर लेना पैसेफिक तो में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट लोन्स देना टेक्निकल असिस्टेंस देना ग्रांट ठीक है इक्विटी इन्वेस्टमेंट ताकि आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सको ठीक है बात आ गई समझ में तो फिर अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर क्योंकि ये चीज जो है ना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी तो चलो ये क्वेश्चन हो गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेवेंथ ऑफ नवंबर को होता है इसी के साथ ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा और फिर जवाब दो पढ़ लिया सबने क्या है हु इज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ केरला ज्योति अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय केरला स्टेट गवर्नमेंट केरला स्टेट गवर्नमेंट एक अवार्ड दे रहती है केरला ज्योति अवार्ड है ये किसको दिया है कौन है इस अवार्ड का फर्स्ट रेसिपियंट चार ऑप्शन हैं उनका नाम बताना है आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एम टी वासुदेवन नैयर ऑप्शन बी ये जो पर्सनालिटी है फर्स्ट रेसिपियंट है इस अवार्ड की ये है इनकी तस्वीर जो कि एक वेटरन राइटर है ठीक है और एक रिनोन्ड मलयालम ऑथर है इनको जनप्रीत uh, ल्योरेट uh, जो है ही इज ही हैज बिन चूजन फॉर दैट मिला है उन्हें एंड uh, साथ ही साथ ये अवार्ड जो है जो केरला स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ये बेसिकली इन दैट स्पिरिट ऑफ पद्मा अवार्ड इसका पर्पज भी यही है कि जो लोग जो सोसाइटी uh, के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो उनका प्राइसलेस कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको रिकोगनाइज किया जाए इसीलिए ये अवार्ड दिया जाता है एंड हु इज द फर्स्ट रेसिपियंट जिनका नेम है फॉर दिस अवार्ड एम पी वासुदेवन नैयर ठीक है चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन कहता है कि इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया फोर्थ एडिशन किसका इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक का फोर्थ एडिशन किसने लॉन्च किया है तो मैं सिंपली आंसर पे चलती हूँ चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको अगर आपको एक आंसर दिख रहा है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन याद है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इसने लॉन्च किया है फोर्थ एडिशन ठीक है पहली बात तो ये फोर्थ एडिशन है ये फोर्थ एडिशन फीचर कर रहा है जो सेवनटी फाइव सक्सेसफुल वुमेन ऑन्टरप्रन है इंडिया के अंदर उनको उनकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है और स्टार्टअप ने कैसे हेल्प किया है दे आर इनोवेटिंग टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर उसके विद रिस्पेक्ट टू में ये पर्टिकुलर इनोवेशन एडिशन है क्योंकि ये फोर्थ एडिशन है तो पहले तीन एडिशन भी होंगे बिल्कुल होंगे पहला एडिशन जो था वो फोकस कर रहा था हेल्थ सेक्टर पे दूसरा एडिशन फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर एंड एलाइट सेक्टर पे और तीसरा एडिशन फोकस कर रहा है किस पे ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी पे ये एडिशन क्या शोकेस करता है ये एडिशन शोकेस करता है जो एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी रही है पूरी की पूरी अलग अलग सेक्टर्स में जैसे भी उन्होंने काम किया हो जो मतलब हाउ दे डेडिकेटेड डेंसेल्स फॉर क्रिएटिंग सच इनोवेटिव प्रोडक्ट सोल्यूशन सर्विसेज राइट एंड फॉर अ पाथ जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ लेकर जाता है तो ये पूरी कहानी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सी स्टेट है पता चल रहा है कि कोई एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट होने ही वाली है सही सोच रहे हो ये देखो नागालैंड दिख रहा है कैपिटल क्या है कोईमा ठीक है यही आंसर है नागालैंड ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब चलते हैं थोड़ी सी रिवीजन पे आमुर फाल्कन का नाम सुना सुना होना चाहिए जो कहेंगे नहीं सुना तो बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि हमने कवर किया है एक बर्ड की स्पीशीज बहुत ही सुंदर जो कि माइग्रेटरी बर्ड है रशिया मतलब ईस्ट अगर मैं बोलूं तो ईस्ट एशिया से चलती है और फिर कहाँ तक जाती है सऊदर्न अफ्रीका तक ठीक है अब बीच के रास्ते में थकती है तो वॉल्ट होता है नागालैंड में ठीक है इस माइग्रेटरी बर्ड का हमने इसीलिए कवर भी किया था तो अब ये जो आ, एडिशन है टोकू इमोंग बर्ड काउंट ये जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन इवेंट है जो कि स्टेट में जो भी बर्ड्स हैं उनको लिस्ट करना ठीक है तो नागालैंड का फर्स्ट एविएशन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज है जो कि जितने भी बर्ड्स हैं चाहे वो माइग्रेटरी मैग्रेट, बर्ड्स हो उनको पूरी उनकी लिस्टिंग होती है और साथ ही साथ इसके साथ जुड़ी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी जान लो एक वहां पर कॉम्युनिटी है लोथा नागा कॉम्युनिटी ठीक है मैं ये क्यों बता रही हूं उस कॉम्युनिटी के बारे में क्योंकि ये जो आपने पढ़ा ना टोकू इमोंग बर्ड काउंट ऐसा इसी नाम का एक फेस्टिवल होता है नागालैंड में जो कि एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसका नाम भी यही है टोकू इमोंग पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ये फेस्टिवल किस कौन सेलिब्रेट करता है बेसिकली नागालैंड में जो कम्युनिटी है वो रहती है वोखा डिस्ट्रिक्ट में तो उनका नाम है लोथा नागास तो वो इसलि इसको सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट नागालैंड बर्ड डाइवर्सिटी ठीक है और ये जो वोखा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वोखा डिस्ट्रिक्ट में ही स्पेशली आपको जो माइग्रेटरी बर्ड्स है अमर फैल्कन वो देखने को मिलते हैं वहां पर इसीलिए ऐसे याद कर लो कि ये इवेंट जो है टोकू इमोंग बर्ड काउंट इवेंट इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है एक तो वोखा फॉरेस्ट डिविजन हो गया नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड बर्ड काउंट ऑफ इंडिया ठीक है तो ये इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है किसके कोलैबोरेशन में और ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है ये फेस्टिवल का नाम भी यही है टोकुमोंग तो यहाँ से आपकी काफी चीजें सॉल्व uh, हो जाती हैं आंसर्स के लिए अगर कुछ भी अब आपसे पूछ लिया जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्टडी के हिसाब से ऑन स्नेक बाइट द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट वॉज द हाइएस्ट इन विच कंट्री सांप के काटने से स्नेक बाइट से जो डेथ होती है कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा होती हैं इंडिया के अंदर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखो स्टडी कह रही है कि सिक्सटी थ्री थाउजेंड पीपल जो हैं 2019 में दे डाइड बिकॉज ऑफ स्नैक बाइट्स जिसमें से मोर देन फिफ्टी वन थाउजेंड जो नंबर ऑफ डेथ हुई हैं वो दैट वर इन इंडिया जो कि हाईएस्ट है और ये बेसिकली इन अ स्टडी जो कि ऑथर्ड है बाय द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्नेक बाइट एनविन इज एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल के अंदर आता है ठीक है बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कौन सी स्टेट है जो कि होस्ट है ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इन 2022 बताइए क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको सोच लिया छत्तीसगढ़ सोचा किसी ने ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर इसको अभी रिसेंटली होस्ट किया गया था जहां पर एक लाख से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया पंद्रह सौ के आसपास डांसर्स रहे इंडिया से इजिप्ट रशिया मंगोलिया मोजाम्बिक अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट किया टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है छत्तीसगढ़ का उसने ऑर्गेनाइज किया इस फेस्टिवल का एम है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है आप उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है इस फेस्टिवल के इवेंट, इस इवेंट के थ्रू ताकि वो अपने रिच कल्चर को आ, वो आगे लेकर जा सके टू एडुकेट अबाउट देयर रिच कल्चर फॉर ऑल ठीक है बता सकें तो ये सब है और पहला ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था दो में दूसरा किया दो में ठीक है तो ये याद में रख लेना चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप अब थोड़ा सा जान ले इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहती है ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ दी यूनाइटेड नेशन जो कि क्या बात करती है बेसिकली इसका एम क्या है इसका एम है एक्सेस प्रोवाइड करना कैसा एक्सेस मतलब एक ब्रॉड एक्सेस आप बोल सकते हो ब्रॉड एक्सेस टू बैलेंस्ड साइंस बेस्ड यू कैन असेसमेंट जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो जब आप बात करते हो कि ऑटोमेशन हो इन दी फूड सिस्टम तो ये रिपोर्ट यही सब देखती है कि कैसे आप ये ऑटोमेशन जो है जो आप डिजिटल होने की बात करते हो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर तो कैसे ये अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पॉलिसी रिकमेंडेशंस कि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स और मिनिमम रिस्क कैसे इंश्योर कर सकते हो ये साथ ही साथ ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है वो सारे बैरियर्स जो कि हैं इन दिस सेक्टर इन दिन ऑफ द टेक्नोलॉजीज जिसमें इंक्लूड किया जाता है जैसे कि लिटरेसी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंस लैक ऑफ ये डिजिटल लिटरेसी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ बैरियर्स हैं जो कि ये रिपोर्ट भी बोलती है लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है वो है एफ के बारे में जानना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इंडिया मेंबर है कब से सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर 1945 से ये बॉडी जो है ये रिसीव करती है 100 परसेंट फंडिंग अपने मेंबर कंट्रीज से कितने मेंबर कंट्रीज है? है हाँ कंट्रीज हैं uh, है, है और यूरोपियन यूनियन है काम क्या है ऑब्जेक्टिव तो सबको ही पता है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाना अगेंस्ट हंगर तो ये सब ऑब्जेक्टिव है यहाँ आपके होते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सेशन के खत्म इसका मतलब रुको कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी रिवीजन कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जो है वो पेंडिंग है तो फिर देखो पहला क्वेश्चन क्या है और बताओ मुझे आंसर आप सोचो सोच लिया अगर आपने तो फिर आंसर भी बता दो सोच तो लिया है सबने पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल इंजीनियर्स डे कब फिफ्टीन सितंबर को अच्छा कौन सी फेमस पर्सनालिटी को ऑनर करने के लिए नाम क्या है बताओ एम विश्वसरिया ठीक है तो एम विश्वर्या जो है उनको ऑनर करने के लिए ये पर्स ऑनर किया जाता है इनको आ, और नेशनल इंजीनियर्स डे जो है वो कब होता है फिफ्टींथ सेप्टेम्बर को नाम प्लीज ध्यान में रख लो अगर आप चाहो तो मैं स्पेलिंग आपके लिए अच्छे से लिख देती हूँ ताकि अगर आप जो स्क्रीन ले रहे हैं तो वो अच्छे से ले पाए ठीक है तो एम विश्व विश्वसरिया इनका नाम है एरन फिंच जो कि एक इंटरनेशनल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम दी इंटरनेशनल क्रिकेट वो एक फेमस प्लेयर है कौन सी कंट्री से तो पहले तो एक ये बात याद में रख लो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है वो भी पता होना चाहिए क्रिकेट से एसोसिएटेड नाम है ऑस्ट्रेलिया के फेमस प्लेयर है ठीक है डॉक्टर भूपेन हजारिका वो फीचर इन दी गूगल डूडल फेमस सिंगर है कौन सी स्टेट से असम से फेमस अवार्ड प्रेजेंटेड बाई विच कंट्री फ्रांस अतुल गोस्वामी जो रिसेंटली पास वो एक फेमस राइटर रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में असमीज भूपेंदर सिंह जो है वो रिसेंटली पासड हुए एक फेमस पर्सनैलिटी है कौन सी फील्ड से म्यूजिक से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा अगला क्वेश्चन है रघुराजपुर दैट वॉज रिसेंटली न्यूज इज फेमस फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेंटिंग पटाचित्र चित्र मोहम्मद बशीर वॉज अ फेमस राइटर इन विच लैंग्वेज मलयालम प्रणिता पुष्करलू एक फेमस फेस्टिवल है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है तेलंगाना में मॉस्कोआ एक इज़ विच कंट्री रशिया इसी के साथ चलते हैं आपके अगले कुछ कैटेगरी से मिसलेनियस क्वेश्चन लेते हैं और आप मुझे बस आंसर बताते जाओ और मैं लिखती जाऊंगी सोच लिया आपने पहले क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ो जरा विच इंडियन पीएसयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बेसिकली कुछ एमओ यू जो साइन हुए हुए हैं पहला है विद ब्राजीलियन ऑयल मेजर पेट्रोब्रॉस टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रूड ऑयल सोर्सिंग तो कौन सी इंडियन पीएसयू ने साइन किया बीपीसीएल ने एनसीसी नेशनल कैडेट कॉल्स ने एक एमओयू साइन किया है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ किया है प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए यू एन ई पी के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जाएगा फिर अगला क्वेश्चन देखो कि इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कौन सी अफ्रीकन कंट्री के साथ ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस आंसर है इजिप्ट कौन सी कंट्री ने साइन किया है फॉर्मल एमओयू टू ज्वाइन एससी शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दो हजार तेईस में ईरान ने पी एस रिसेंटली वो है पावर मिनिस्ट्री विच इज फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू साइन दी एमओयू फॉर इंप्लीमेंटिंग अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इंदौर इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एक कि कौन सी कंट्री के साथ फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स मैडकर अच्छा कौन सी स्टेट है जिसने साइन किया है एक यू विद आईटी मेजर डेल टू क्रिएट एनहेंस साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बताओ कर्नाटका सोच रहे हो क्या लगता है बिल्कुल सही है इंडिया ने साइन किया है एक एमओ कौन सी कंट्री के साथ ऑन म्यूचुअल रिकोगशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यूके फिर इंडिया ने एक एमओयू साइन किया कौन सी कंट्री के साथ टू डीपन दी इंटर गवर्नमेंटल रेलवे कॉपरेशन बांग्लादेश के साथ ठीक है तो आगे चलते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कौन सी दो मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है एक एमओ फॉर द प्रमोशन ऑफ वन हब वन स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या है ना मैं आपको एक मिनिस्ट्री बता देती हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री आप बताओगे कमेंट्स में ठीक है स्पून फीडिंग बिल्कुल भी खुद पूरी स्पून फीडिंग अच्छी नहीं है तो आपको खुद से थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए अच्छी आदत है इसको डालो अगला क्वेश्चन कहता है और जो आंसर देते हैं कमेंडेबल दे बहुत बढ़िया ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो कि इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एक एमओयू कौन सी कंट्री के साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में नेपाल के साथ कौन सी कंट्री इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू कौन सी कंट्री के साथ ऑन इंट्रीम वॉटर ऑफ कुशियारा रिवर बांग्लादेश के साथ इंडिया ने फिर एक एमओयू साइन किया कौन सी कंट्री के साथ ऑन कॉपरेशन इन प्रोमोटिंग एमएसएमई मॉरिशियस हाईवे अथॉरिटी वाटरवेज रेलवेज ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर विच स्कीम भारतमाला परियोजना कौन सी कंपनी ने साइन किया है कैमओ यू विथ थ्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर ऑयल पाम कल्टिवेशन वो है गोदरेज एग्रोवेट ठीक है इंडिया ने साइन किया है एमओ कि यू कौन सी कंट्री के साथ टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज द सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ सी ईरान इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट साइंड द एमओयू टू एस्टैब्लिश ऑफिस इन ग्वालमपुर हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड अंडर द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट यूनियन आयुष मिनिस्ट्री ने साइन किया है एमओ कि यू कौन सी मिनिस्ट्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर आपका ये सेशन होता है ख़त्म ये है आपके होमवर्क्स मैं एक्सपेक्ट करूंगी सभी के आंसर्स इन दी कॉमेंट सेक्शन सेशन अच्छा लगता है तो जरूर बताया करो और आंसर्स भी दे दिया करो थैंक यू एवरीवन वन आई आर जू वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग हैव अ नाइस डे थैंक यू